हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे दांतों के कीड़े के बारे में। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कॉमनली आपको हर दूसरे इंसान में देखने को मिल रही है। हर दूसरे इंसान की ये शिकायत रहती है कि उनके दांतों में कीड़ा लग गया है। तो दांतों में कीड़ा कैसे लग जाता है, दांतों का कीड़ा कैसा दिखता है, कैसे लग जाता है, और अगर आपके दांतों में कीड़ा है, सड़ान हो रही है, तो इसको आप कैसे ठीक करवा सकते हैं, कैसे इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। कई वीडियोस में आपने ये देखा होगा, इंटरनेट पे कई ऐसी वीडियोस मिल रही हैं, देखने को मिल रही हैं, जिसमें लोग ऐसा दिखाते हैं कि दांतों में आपके एक लंबा सा बड़ा सा कीड़ा प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से आपको दर्द हो रहा होता है। और उस वीडियोस में आप ये भी देखेंगे, वो लोग दावा करते हैं कि 2 मिनट में आपका दांत का कीड़ा आपको निकाल के दिखाते हैं। कोई ऐसी दवा होती है जो दांत में डालते हैं, कीड़ा एक निकाल के दिखाते हैं, आपको दवा लगा देते हैं, बोलते हैं कि आपका दांत 2 मिनट में हम ठीक कर देंगे, कीड़ा निकाल के भी दिखाते हैं। तो क्या सच में आपके दांत में कीड़ा प्रेजेंट होता है या फिर इसे हम सिर्फ बोलते हैं? दांतों में कीड़ा कैसे गया, दांतों के अंदर इतना बड़ा कैसे कीड़ा हो सकता है? तो इसी विषय में आज हम इस वीडियो में आपके साथ बात करेंगे कि क्या सच में आपके दांत में कीड़ा प्रेजेंट होता है, और अगर कीड़ा होता है तो कैसा दिखता है, और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी कुपरेले पस्तो आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी दांतों के कीड़े के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और इसे आसानी से समझते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि दांतों का कीड़ा होता क्या है, इसे दांतों का कीड़ा क्यों बोलते हैं। जब भी आप कुछ भी खाते हैं, ज्यादातर तक अगर आपके दांतों में खाना फंसा रह जाता है या फिर गंदगी जमा हो जाती है, प्रॉपर सफाई नहीं हो पाती है, दांतों के बीच में, हमारे दांतों के बीच में एक बहुत माइन्यूट सा गैप प्रेजेंट होता है, हर दांत के बीच में गैप रहता है। उसमें क्या होता है कि जब भी आप कुछ भी खाते हैं, चाहे आप ब्रशिंग भी अच्छे से कर दें, कभी कभी थोड़ा बहुत खाना उन दांतों के गैप के बीच में फंसा रह जाता है। और जब आपके दांतों के बीच में ये खाना काफी लंबे समय तक फंसा रह जाता है, तो ये आपके दांतों में सड़ान पैदा करता है, दांतों में इन्फेक्शन होता है, सड़ान पैदा करता है, और ये सड़ान बढ़ते बढ़ते आपके दांतों को ब्लैकनेस, आपके दांतों में ब्लैकनेस हो जाती है। एक ब्लैक ब्लैक सा आपको स्पॉट दांतों के ऊपर धीरे धीरे करते दिखना स्टार्ट हो जाता है। इस ब्लैक जो स्पॉट आपके दांतों पर हो जाता है, इसको हम डेंटल केरीज बोलते हैं, जिसे आम भाषा में लोग बोलते हैं कि हमारे दांतों में कीड़ा लग गया है। तो इसे काफी लंबे समय से ऐसा लोग बोलते आ रहे हैं कि उनके दांतों में कीड़ा लगता आ रहा है। अब कीड़ा लगना इसलिए बोलना स्टार्ट किया गया था ताकि लोगों को आराम से आसान भाषा में समझ में आ पाए कि उनके दांतों में सड़ान हो रही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि सच में उनके दांतों के अंदर एक कोई कीड़ा प्रेजेंट है। ये सिर्फ सड़ान की वजह से आपके दांतों पे सड़ान हो रही है। सड़ान की वजह से जो दांत की लेयर्स होती हैं, उसमें आपकी लेयर को खराब करता है, सड़ान आपके दांत को खराब करता है, और उसकी वजह से आपके दांत में कालापन दिखाई देता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आपको कोई दवा डाल के दे दांत में से और उसमें एक कीड़ा निकले, क्योंकि दांत में कीड़ा नाम का ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है। आपके दांतों में कीड़े प्रेजेंट नहीं होते, ये सिर्फ एक सड़ान होती है। तो एक चीज आपके लिए क्लियर होना बहुत जरूरी है कि जब भी आपके दांतों में गंदगी जमा होती है, तो वो गंदगी आपके दांतों में सड़ान पैदा करती है। आपके दांतों में खाना फंसता है, गंदगी जमा होती है, तो उस गंदगी की जमने की वजह से आपके दांतों में सड़ान होती है, और ये सड़ान आपके दांतों में किसी भी सरफेस पर हो सकती है। अगर आप इससे भी समझेंगे तो ये आपके अगर दांत है, तो दांत के आपके दो दांतों के बीच में, जो बीच का है, जहां से दो दांत आपके जॉइंट है मिले हुए हैं, उस एरिया में भी हो सकती है। आप जिस साइड से अपने दांतों से चबाते हैं, चबाने की साइड पे भी आपके यहाँ पे कीड़ा लग सकता है, या फिर आपके फ्रंट साइड में, ये दांतों का जो फ्रंट साइड है, जिस साइड से आपका दिखता है दांत, उधर भी कीड़ा लग सकता है। इसे कीड़ा इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक सड़ान है, और ये किसी भी सरफेस पे, जहां आपकी सड़ान हो रही है, वहां आपके दांत में ब्लैकनेस यानी कि कालापन आपके हो जाता है सड़ान की वजह से। अब ये सड़ान की वजह से कालापन क्यों होता है? जब भी आपके दांतों में गंदगी जमा होती है, सड़ान होती है, तो उस गंदगी की वजह से आपके दांतों में बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, बैक्टीरियाज होते हैं, और बैक्टीरियाज आपको आपकी नेकेड आई से विजिबल नहीं होते हैं। आप इसको, बैक्टीरियाज को अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। बैक्टीरिया ग्रोथ होते हैं, और बैक्टीरिया जब आपकी दांतों पे ग्रो करते हैं, ये एक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और एसिड प्रोड्यूस जब होता है आपके दांत में,
तो ये आपके दांतों को खराब करता है, डीमिनरलाइजेशन होता है आपके दांतों में, आपके दांतों में ये फ्लैटनेस हो जाती है, खराब करते हैं, जिसे आम भाषा में कीड़ा बोलते हैं। तो इन शॉर्ट आपके दांतों में कीड़ा लगना मतलब होता है दांतों में कीरीज होना, यानी कि दांतों में सड़न होना। असल में दांतों में कीड़ा जैसा कुछ प्रेजेंट नहीं होता, ये सिर्फ बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से जो एसिड प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से दांत खराब होते हैं और ब्लैकनेस हो जाती है। और केरीज भी, यानी कि आपके दांतों में सड़ान भी जल्दी नहीं होती जब तक आप अपने दांतों की अच्छे से केयर रखते हैं, ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन रखते हैं, तब तक आपके दांतों में कोई भी सड़ान नहीं होता है, केरीज आसानी से नहीं लगती है। केरीज आपको तभी दिखती है, उन लोगों के दांतों में ही दिखेंगी, अगर आप अपने दांतों की इस प्रॉपर अच्छे से सफाई नहीं करते हैं, ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन नहीं रख रहे हैं, तभी आपके दांतों में केरीज लगना स्टार्ट होता है। आप जब भी कुछ भी खाते हैं, खाने के बाद अगर प्रॉपर अच्छे से कुल्ला करते हैं, सोने से पहले आप ब्रश करके सोते हैं, खाना फंसने नहीं देते हैं, दांतों के बीच में जो गैप है वहां की क्लीनिंग अच्छे से करते हैं, फ्लॉसिंग करते हैं, तो खाना अगर नहीं फंसेगा, दांतों के बीच में गंदगी अगर जमेगी नहीं, प्रेजेंट नहीं रहेगी गंदगी, तो उसकी वजह से दांतों में सड़ान नहीं होगी, बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे, तो आपके दांतों में केरीज भी नहीं लगेगी। लेकिन वहीं अगर आप अपने दांतों की प्रॉपर अच्छे से केयर नहीं रखते हैं, ब्रशिंग अच्छे से नहीं करते हैं, स्पेशली रात में सोने से पहले अगर दांतों की सफाई अच्छे से नहीं करते हैं, फ्लॉसिंग ब्रशिंग नहीं करते हैं, दांतों के बीच में खाना फंसा रह जाता है, तो धीरे धीरे करके आपकी गंदगी जो जमा हो गई है दांतों के बीच में, वो सड़ान पैदा करती है और आपको केरीज लग जाती है। तो इन शॉर्ट ये असल में होती है डेंटल केरीज, यानी कि आपके दांतों में सड़ान, जिसे आम भाषा में लोग दांतों का कीड़ा बोलते हैं, लेकिन असल में दांतों का कीड़ा जैसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ ये सड़ान होती है दांतों। तो अगर आपके दांतों में डेंटल केरीज हो गई है, आपके दांतों में आपको ब्लैक स्पॉट सा दिख रहा है, सड़ान हो गई है, तो इसके लिए भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अब हमारा दांत खराब हो गया है या फिर दांतों में अब क्या कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो इसके लिए भी आपके पास ट्रीटमेंट अवेलेबल रहता है, इसका भी आप इलाज करवा सकते हैं। दांतों के लिए आपको सबसे पहले दांत के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। ट्रीटमेंट के समझने से पहले आपको दांत को समझना पड़ेगा। जो हमारा दांत होता है वो आपका 3 लेयर्स में डिवाइडेड रहता है। जो सबसे ऊपर हमारे दांत की लेयर होती है, जो व्हाइट लेयर होती है, जैसे हम देखते हैं दांत को, उसे हम इनेमल बोलते हैं, सबसे ऊपर वाली लेयर। सेकंड होती है हमारी डेंटिन लेयर, जो स्लाइट येलोइश कलर की होती है। और सबसे आखिरी थर्ड लेयर, इनामोस्ट लेयर जो होती है, वो होती है पल्प, जिसे हम दांतों की नस बोलते हैं। जब भी आपके दांतों में गंदगी की वजह से सड़ान लगना शुरू होती है, तो इस सड़ान को आप कैसे नोटिस करते हैं कि आपको अपने दांत पर एक ब्लैक स्पॉट सा नजर आने लगता है, आपको छोटा सा गड्ढा ब्लैक कलर का दिखना स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टिंग में जैसे ही आपको सड़ान लगने की स्टार्टिंग होती है, तब आपको एक छोटा सा गड्ढा दिखना स्टार्ट हो जाता है, ब्लैक स्पॉट। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, ना इसमें आपका खाना फंसता है, ना आपको दर्द होता है, सिर्फ आपका दांत इसमें ब्लैकनिंग हो जाता है, ब्लैकनेस दिखने लगती है। तो ये तब होता है जब आपकी सड़ान सिर्फ आपके दांत की अपर मोस्ट लेयर, यानी कि इनेमल को अफेक्ट करी है, इनेमल तक अगर ये सड़ान है, जब आपकी ये सड़ान इनेमल तक रहती है, या फिर आगे बढ़ते बढ़ते ये डेंटिन तक भी चली गई है, लेकिन आपको दर्द प्रेजेंट नहीं हुआ है, इसमें खाना नहीं फंस रहा है, तब आपके इसके लिए आप क्या इलाज करवा सकते हैं, कैसे इसको निकलवा सकते हैं, रिमूव करवा सकते हैं। तो इसका इलाज के लिए आपको डेंटल फिलिंग करवानी रहती है। अगर आपके जो सड़ान है दांतों की, वो आपके दांतों की सबसे ऊपर वाली लेयर तक ही प्रेजेंट है, इनेमल तक ही प्रेजेंट है, तब आपको दांत में झंझनाहट नहीं होती है, ठंडा गर्म नहीं लगता है, दर्द नहीं होता है। इसलिए आप अपने डेंटल क्लिनिक में जाके डेंटिस्ट को दिखा के इसको जैसे ही आप नोटिस करते हैं कि आपके दांत में कालापन हो रहा है, तुरंत जाकर उसी टाइम अगर आप ट्रीटमेंट ले लेते हैं, तो ये आपका कम टाइम में भी आपका दांत ठीक हो सकता है और कम कॉस्ट में भी, इसमें ज्यादा खर्च भी नहीं आता है। जितने एरिया में आपके दांतों में सड़न लगी है, कालापन लगा है, सिर्फ उतने ही एरिया को आपके दांत से साफ किया जाता है, सड़ान को रिमूव किया जाता है, हटाया जाता है, और उस जगह पर आपके डेंटल फिलिंग मटेरियल आपके लगा दिया जाता है। कोई एक फिलिंग मटेरियल जो आप करवाते हैं उसको लगा दिया जाता है, आपका दांत पहले की तरह सेफ हो जाता है। इसके बाद अगर आपके जो दांतों की सड़ान है वो दूसरी लेयर यानी कि आपके डेंटिन तक पहुंच जाती है, तो आपको हल्का सा सेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा बहुत ठंडा गर्म भी लगना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आपको दर्द नहीं हो रहा होता है। इसमें भी आप अगर अपने डेंटिस्ट को दिखाते हैं, अगर आपके दांतों में दर्द प्रेजेंट नहीं है, आपकी थर्ड लेयर से अभी दूर है आपके सड़ान, तो इसमें भी आपके सड़ान की, जितना भी एरिया में सड़ान है दांत की,
उस सरांग को हटाया जाता है मशीन से, मशीन की हेल्प से सरांग को हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है, प्रॉपर दांत की क्लीनिंग की जाती है और इसमें रेस्टोरेटिव मटेरियल डाल के फिलिंग कर दी जाती है। फिलिंग मटेरियल जिसे हम मसाला बोलते हैं, मसाला भर दिया जाता है, दांत आपका पहले की तरह ठीक हो जाता है। अब तीसरा इलाज और होता है सड़ान का, कि अगर आपके दांतों में सड़ान आपकी तीसरी लेयर यानी कि आपकी पल्प तक पहुंच गई है, पल्प यानी कि होता है आपकी नसों तक, अगर आपकी सड़ान आपके नसों तक पहुंच गई है तब उस समय से आपको दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। आपको आप कुछ भी खाते हैं बड़ा गड्ढा भी हो जाता है, खाना फंसना भी स्टार्ट हो जाता है, आपके दांतों में खाना फंसेगा, आपको दर्द भी होगा। तब इस केस में आपको रेस्टोरेशन के लिए एडवाइस नहीं किया जाता है। इस कंडीशन में आपको फिलिंग नहीं दी जाती है, आपको पहले नसों का इलाज करवाना रहता है। इसमें प्रॉपर नसों का इलाज जिसे हम रूट केनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं, आपको रूट केनाल ट्रीटमेंट की एडवाइस दी जाएगी। और उसके बाद रूट केनाल ट्रीटमेंट करवाने के बाद आपको उस दांत के ऊपर एक कैप लगा कर दी जाएगी। तो ये जब आपके दांतों की सड़ान आपके पल्प तक पहुंच गई है, इस कंडीशन में टाइम भी ज्यादा लगता है ट्रीटमेंट में और आपका कॉस्ट भी ज्यादा आता है, महंगा भी ट्रीटमेंट पड़ता है। तो इसलिए एडवाइस किया जाता है कि जब भी आप अपने दांतों में सड़ान को नोटिस करना स्टार्ट करते हैं, जैसे ही देखते हैं कि आपके दांत में हल्का सा भी कालापन होना स्टार्ट हो गया है, तो उसी समय जाकर अपने डेंटिस्ट के पास जाकर अपने दांत को चेक करवाएं, ताकि उसी समय सिर्फ फिलिंग से आपका दांत ठीक हो पाए, कम कॉस्ट में कम टाइम में आपका दांत सेव हो पाए। नहीं तो अगर आपका दांत ज्यादा खराब हो जाएगा, नस तक इन्फेक्शन पहुंच जाएगा, दर्द स्टार्ट हो जाएगा, तब आप फिलिंग नहीं करवा पाएंगे और ज्यादा ट्रीटमेंट ज्यादा लंबा भी चलेगा और आपका कॉस्ट यानी कि खर्च भी आपका ज्यादा पड़ेगा, आपको नसों का इलाज करवाना पड़ेगा। तो ये सारी, इन शॉर्ट ये सारी चीजें थी आपके दांतों की सड़ान के बारे में, दांतों के कीड़े के बारे में, कि क्या आपके दांतों में कैसे कीड़ा लग जाता है, कीड़ा क्या होता है, जो कि आपको हमने समझाया कि कीड़ा जैसा आपके दांतों में कुछ भी नहीं होता है, ये दांतों की सिर्फ सड़ान होती है जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से होती है और ये आपके दांतों की लेयर्स पर होती है। जैसे जैसे ये ज्यादा बढ़ती जाती है उसके अकॉर्डिंग आपके दांतों में ट्रीटमेंट होता है। तो आपको सिर्फ यही एडवाइस दी जाती है कि जितनी जल्दी आप अपने दांतों पे सड़ान को नोटिस करते हैं, केरीज नोटिस करते हैं, उसी समय तुरंत जाकर अपने दांतों का ट्रीटमेंट करवा लें और अपने दांतों की ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करें, प्रॉपर अच्छे से ब्रशिंग करें, फ्लॉसिंग करें, दोनों टाइम कुंडा करें, ब्रशिंग के बाद अच्छे से फ्लॉसिंग जरूर करें और कुछ भी खाएं, दिन भर भी कुछ भी खाएं आप दिन भर में, तो खाना खाने के बाद प्रॉपर मुंह का अच्छे से कुल्ला करें ताकि खाना आपका फंसा ना रह जाए। क्योंकि आप दिन भर में कुछ भी खाएंगे तो पूरे दिन आप ब्रशिंग नहीं करेंगे, तो ब्रशिंग ना करने के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पूरे दिन ब्रशिंग नहीं करनी है, तो कम से कम आप अपने मुंह की सफाई रखें, क्लीन रखें, कुल्ला जरूर करें। कुछ भी खाएं कुल्ला करेंगे तो आपके दांतों के बीच में खाना नहीं फंसेगा। और रात में सोने से पहले जरूर ब्रश करके सोएं, क्योंकि रात में अगर आप बिना ब्रश करके सो जाते हैं तो काफी लंबे समय तक, अगर आपने ब्रश नहीं किया है, खाना फंसा रह गया है, काफी लंबे समय तक वहां पर खाना फंसा रह जाता है, सड़ान पैदा करता है और आपको डेंटल केरीज की शिकायत हो जाती है। तो सिंपली हमें यही समझना है कि दांत में अगर हमारे गंदगी जमा है, सड़ान पैदा है, तो इसकी वजह से हमारे दांत में, जिसे आप आम भाषा में कीड़ा बोलते हैं और जिसे हम डेंटल केरीज बोलते हैं, तो केरीज लग जाती है। वो सिर्फ आपके दांतों की सड़ान की वजह से लगती है, बैक्टीरिया की वजह से लगती है, दांतों में बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है, एसिड प्रोड्यूस होता है, दांतों का डीमिनरलाइजेशन होता है, दांत खराब हो जाते हैं। तो हमें सिर्फ यही समझना है कि दांतों में कीड़ा जैसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ दांतों की सड़ान की वजह से आपके दांत में केरीज लग जाती है। तो इसके लिए आप दांतों का तुरंत से तुरंत जाकर ट्रीटमेंट करवा लें, रेस्टोरेशन फिलिंग करवा लें, अगर ज्यादा दांत ज्यादा खराब हो गया है, नस तक पहुंच गया है, तो नसों का इलाज करवा लें। अब आपके दांतों के लिए सबसे ज्यादा अच्छी फिलिंग कौन सी रहेगी, कौन सी फिलिंग आपको करानी रहती है, कौन सी फिलिंग आपके लिए बेस्ट रहेगी, या फिर डेंटल, अगर आपको डेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है आगे, अगर नसों का ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है, इसे कैसे किया जाता है, इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल है चैनल पर, कि कौन सी फिलिंग आपके लिए बेस्ट है इस पर भी वीडियो अवेलेबल है। और अगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट की एडवाइस दी गई है तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी वीडियो से आप समझ सकते हैं। तो आप इन दोनों टॉपिक को हमारे चैनल पर वीडियोस अवेलेबल हैं, वहां से समझ सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस हमने यही समझा कि दांतों में केरीज कैसे लग जाती है और इसके लिए, इसको ठीक करने के लिए आप क्या करवा सकते हैं।
तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा जो आपका मेन डाउट था कि दांतों में कीड़ा कैसे लग गया, ये कीड़ा कैसे निकाल के दिखाते हैं। ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि दांतों में कीड़ा जैसा कुछ नहीं होता है, दांतों की सड़ान यानी कि डेंटल केरीज होती है, जिसे आप ट्रीटमेंट से ठीक करवा सकते हैं, चाहे फिलिंग से, और अगर ज्यादा बढ़ गई है, नस तक पहुंच गई है, तो नसों के इलाज से आप अपने दांत को ठीक करा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आज आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।